हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, देखिए हम प्रोडक्ट प्लानिंग को पढ़ते हैं, लेकिन प्रोडक्ट प्लानिंग को पढ़ने से पहले हमें इसके दो पार्ट करने होंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग में एक तो आता है प्रोडक्ट और एक आता है हमारा प्लानिंग, तो इन दोनों के हमें पहले अलग से मीनिंग जानने होंगे। देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मैंने आपको पहले बताया था, प्रोडक्ट ऐसा फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी सर्विसेज हो सकती है, कोई भी गुड्स हो सकता है जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है, या जो आपका जो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक जो गुड्स या सर्विसेज पहुंचाता है जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है, वो एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ दिया भी हुआ है, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोवाइड सम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, यानी वो गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर को कुछ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। प्लानिंग का मीनिंग आपको पता ही है, फोरकास्टिंग करना, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचना क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारा क्या है, आपने प्लानिंग, तो ये सारा आपने पढ़ा हुआ है। अब प्रोडक्ट प्लानिंग का मीनिंग क्या होगा, प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करना, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, कितने रुपीज़ का बनाना है, किस टाइप का बनाना है, क्या प्रोसेसर होगा प्रोडक्ट बनाने के, उसकी डिज़ाइन क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, ब्रांड नेम क्या होगा, इमेज कैसी होगी, कंज्यूमर पर कैसा इफेक्ट डालेगा, कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा या नहीं, तो वो सारा किस में आ जाता है आपका, प्रोडक्ट प्लानिंग में। यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हम थिंकिंग करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोडक्ट प्लानिंग। जैसे यहाँ हम इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या है, हम ये भी प्रोडक्ट प्लानिंग कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट को अभी तक केवल हम डोमेस्टिक कंट्री में बना रहे थे, अब उसी प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंट्री में लेकर जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में, बाहर की कंट्री में लेकर जा रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करेंगे। उसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसा हमारा डोमेस्टिक में था प्रोडक्ट वैसा ही होगा, या उससे डिफ़र करेंगे। क्यों डिफ़र करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डोमेस्टिक कंट्री है, हमारे जो हमारी कंट्री है इंडिया, एक डोमेस्टिक कंट्री है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया यहाँ के लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करते, जबकि बाहर की कंट्री में हम देखें यूएसए वगैरह, वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर अपना ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। तो इट मीन्स हमें ये देखना होगा प्रोडक्ट बनाते टाइम कि प्रोडक्ट की स्टाइल उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट का टेस्ट, सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइस भी, वहाँ के लोग प्राइस ज़्यादा देने को भी रेडी हो जाते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, जबकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो प्राइस ज़्यादा देने के लिए रेडी नहीं होते। तो इट मीन्स ये सारा किस में आता है, आपका प्लानिंग में आता है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब आपको समझ गया, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लानिंग करना, प्रोडक्ट के बारे में सोचना। और अभी तक केवल हम डोमेस्टिक की कर रहे थे, अगर हम इंटरनेशनल पढ़ रहे तो इंटरनेशनल की पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी प्लानिंग कर सकते हैं कि जो जो डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है वो सेम ही लेकर जाना है, यानी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो सेम लेकर जाना है, या एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, या हम कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ चेंज करें, यानी पुराने प्रोडक्ट में ही कुछ इम्प्रूवमेंट करें, कुछ सुधार करें, फिर उसको इंटरनेशनल पर लेकर जाएँ। तो ये सारी थिंकिंग आपकी किस में आ जाती है, प्रोडक्ट प्लानिंग में। कुछ भी नहीं है, टॉपिक के नाम से ही क्लियर है। जैसे यहाँ इन्होंने दे रखा डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हम चाहें तो एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो हमारे पास पुराना प्रोडक्ट है उसी में कुछ मॉडिफाई करके भी हम उसको ले जा सकते हैं, तो ये सारा प्लानिंग में आएगा। एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन टू द फॉरेन मार्केट, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को इम्प्रूव करके या इंक्रीज करके हम फॉरेन मार्केट में ले जा सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, हम जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसको हम छोड़ सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं उनका हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा किस में आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट प्लानिंग में। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। ठीक है, देन आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखिए प्रोडक्ट प्लानिंग तो हमने कर ली, अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है, इन्होंने यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग दे रखा है, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आर चेक। इसमें प्रोडक्ट की क्या है, टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक की जाती है। ठीक, डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करना, कुछ मॉडिफाई करना भी डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी चेंज करना, तो वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या सिंपल हमें इंप्रूवमेंट हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने मीनिंग दे रखा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंसर्न विद डेवलपमेंट एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ इन्होंने बोल दिया कि कंसर्न विद डेवलपमेंट का मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना, कुछ इंप्रूवमेंट करना, कुछ मॉडिफाई करना, देन उसको कॉमर्शलाइजेशन का मतलब बिजनेस के में एक नए प्रोडक्ट के रूप में लाना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग आपको पता है, ग्रोथ होते है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई बच्चा है वो बड़ा होता है, तो इट मीन्स उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, एक प्रोडक्ट है, पहले हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ कमियाँ थी, उसको चेंज करके वो थोड़ा और
हाई लेवल का लिया है तो इट मीन्स वो प्रोडक्ट का क्या हो गया, आपका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो ये इजी सा टॉपिक है, प्रोडक्ट प्लानिंग हो गया आपका, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, सॉरी। देन नेक्स्ट हम देखते हैं डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट फॉर फॉरन मार्केट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट फॉर फॉरन मार्केट, यानी फॉरन मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वही बात आ गई सिंपल, आप जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग में कर रहे थे, फॉरन मार्केट के में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी वहाँ के कंज्यूमर का टेस्ट चेकआउट करेंगे, प्रेफरेंस चेकआउट करेंगे, वहाँ एनालिसिस करेंगे, एनवायरनमेंट को एनालिसिस करेंगे, किस तरह की कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं, फिर ये हम चेक करेंगे कि जैसा हम डोमेस्टिक में बना रहे थे वैसा ही बनाए या उससे कुछ डिफर बनाए, ठीक है, या इम्प्रूव करें उसमें कुछ, रेक्टिफाई करें। तो सारा किस में आएगा आपका, डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट फॉर फॉरेन मार्केट, यानी फॉरेन मार्केट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिज़ाइन, इमेज क्वालिटी वगैरह सारी उनके अकॉर्डिंग स्टाइल वगैरह डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एक और, तो ये बिल्कुल ये आज का जो टॉपिक है बिल्कुल छोटे छोटे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया मैंने, सिर्फ हम इनके मीनिंग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो मैंने आपको बता दिया, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, तो उसके जो कुछ स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आप आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी है ये। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट फॉर फॉरन मार्केट, इट मीन्स फैक्टर टू कंसिडर, तो वही बात आ गई कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब हम फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट का डिज़ाइन करते हैं। देखिए वैसे मैंने बता दिया, अब इनको पॉइंट्स की तरफ से देख लेते हैं। प्रोडक्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कंज्यूमर का टेस्ट अफेक्ट करेगा, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, वहाँ का एनवायरनमेंट, वेदर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी। वहाँ की टेक्निक कैसी यूज़ हो रही है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वहाँ पर कैसा है, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे हमने अभी एक्सटर्नल फैक्टर पढ़े थे ना, तो वही पॉइंट्स थोड़े से रिपीट होंगे, थोड़े से चेंज है, आप एक बार देख लेना। देखो फर्स्ट वही ज्योग्राफिक एंड क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन तो अफेक्ट करती है, वहाँ का वेदर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, गर्मी है सर्दी है, कुछ एरिया में गर्मी है तो वहाँ गर्मी की चीज़ें ले जाएंगे, सर्दी आए तो सर्दियों की चीज़ें लेकर जाएंगे, तो ये चीज़ अफेक्ट करती है। इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट करेगी कि वहाँ के लोगों की इनकम क्या है, अगर वहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा है तो वो इनकम का ज़्यादा पार्ट एक्सपेंस करेंगे, इनकम कम है तो इनकम का कम पार्ट एक्सपेंस करेंगे, तो इकोनॉमिक कंडीशन भी इफेक्ट डालती है। जब हम कहीं भी अपना प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, तो ये चीज़ें चेकआउट करते हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट के वहाँ पे रूल रेगुलेशन क्या है, कहीं अपना प्रोडक्ट लेकर जाएं गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट पर बैन ही लगा रखा हो, या गवर्नमेंट ने टैरिफ रेट ज़्यादा लगा रखे हो, टैक्स वगैरह ज़्यादा लगा रखे हो, तो इन चीज़ों को भी हम चेकआउट करेंगे। सोशल एंड कल्चर फैक्टर, ये तो आपको पता ही है, सोशल एंड कल्चर फैक्टर तो अफेक्ट करता है कि वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग किस धर्म को मानते हैं, किस तरह के रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, किस तरह का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम अलग अलग रहते हैं, राजस्थान में राजस्थान की ड्रेसेस अलग वगैरह होती है, ठीक है, तो इस तरह से यूएसए में जाएँ तो यूएसए में अलग ड्रेसेस वगैरह होती हैं, तो वो सारा हमारा किस में आ जाता है, इंडियन कल्चर हमारा अलग है, तो वो सारा हमारा किस में आ जाता है, कल्चर में, ठीक है। कंज्यूमर का बिहेवियर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी भी पॉइंट्स बताया कि कंज्यूमर के बिहेवियर तो अफेक्ट डालते हैं, कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस टाइप का है, कंज्यूमर अपने इनकम का कितना पार्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर एक्सपेंस करता है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे कंट्री में क्या होता है, इंडिया में लोग कम एक्सपेंस करते हैं, वो सेविंग पर ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं और जो एक्सपेंस है उसको कम ध्यान देते हैं, जबकि यूएसए वगैरह में बाहर की कंट्री में क्या होता है, वो लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, अपने रहने सहने पर, खाने पीने पर ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ अफेक्ट करती है। अदर फैक्टर जैसे लेबर टेक्निक, वहाँ के वहाँ पे लेबर हमें मिलते हैं नहीं, तभी तो हम अपने प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे, टेक्निक कैसी फॉलो होती है, हमें प्रोडक्ट कॉस्टली तो नहीं पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस के उसको अफेक्ट करती है। यानी जब हम हमारी माइंड में आता है कि हमें फॉरन मार्केट में प्रोडक्ट लेकर जाना है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमारे उसको अफेक्ट करती है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, बाकी जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।